हमें सत्यता की परीक्षा देनी होगी। सब प्रकार की परीक्षा देने को तैयार हूँ। अमृत है, जब तक वह सूखेगा तब तक रावण का मरना असंभव है। इसलिए अब आप अग्निबाण का प्रयोग कीजिए। ठीक है विभीषण जी, ये भी उपयोग कर लेते हैं। अब तेरा काल तुझे बुलाने तेरे सिर पर आया है, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। कदा तारी कतारी
भैया लक्ष्मण, रावण यद्यपि हमारा शत्रु था किंतु वह तीनों वेदों का जानकार है, इसीलिए तुम उसके मैं कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। सुनो, उजाला हो चुका है गाइस। इसे भोगों में कभी मन मत लगाना, इनके कारण ही मेरी यह दशा हुई है। मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही आपका। इस युद्ध की अवधि में मुझसे यदि कोई अनुचित शब्द निकल गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप धन्य है भगवान, जिस गति को ऋषि मुनि तपस्या करके प्राप्त नहीं कर सकते, मैं उस गति को कैसे छोड़ दूं? अच्छा भगवान, अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। हाय, राधा जी, जिस बात के लिए मैं आपको सुबह हो चुकी है गाइस, दीदी की एक लेप पूरी हो गई है तथा उन्हें किसी भी प्रकार की कमी ना होने दें। उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब मेरे दुखों को अंत में आपके दर्शनों से दूर हो जाएंगे। हे सीते, यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग से दुखी था और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु संसार का भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें सतीत्वा की परीक्षा देनी होगी। हे स्वामी, आपको यदि दासी पर संदेह है तो मैं सब प्रकार की परीक्षा देने को तैयार हूं। कहिए क्या आ गया आपने? हे सीते, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। आओ सीता,
अब गले लगता है। भरत को बता देना कि कल हम घर आ रहे हैं। हम भी घर जा रहे हैं। नहीं तो भरत अपने अपनी सुबह हो गई है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रामलीला देख के। तो सुबह हो गई है, अब सोना भी गया है। ये देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम, और ऊपर पे देख सकते हो रामलीला खत्म हो गए। जितने भी लोग हैं अपने अपने घर जा रहे हैं। पता नहीं